एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानेपुर में स्थित खडरा गांव पड़ा। लगभग 7000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 6 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान योगेश हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। लगभग 3900 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 190 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में एक भी जूनियर हाई स्कूल नहीं है, जिससे गांव के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। वहीं बात अगर हम विकास कार्यों की करें तो गांव के प्रधान द्वारा गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 20 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 70 विद्युत पोल, 7 बिजली ट्रांसफार्मर तथा 30 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। इसी के साथ साथ 11 सीसी टाइल्स रोड, 4 नाली, 6 पुलिया तथा खडंजे का भी निर्माण कराया गया है एवं गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए 300 शौचालयों का निर्माण कर पात्रों में वितरित कराए गए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में एक शमशान घाट, मंदिर तक पक्का रोड, 3 तालाब, बारात घर, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाले के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान योगेश कुमार, जिला मेरठ, ब्लॉक जाननी, ग्राम डडरा। मेरे गांव में फिलहाल में क्या नाम है, मेरे घर के सामने ही इधर कुछ वाले नेक वाले वो मुनसमढ़ वाले रास्ते पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे काम चल रहा है। बहुत से काम गांव में विकास के हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि नाम है मेरे गांव में, मेरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा काम हो और ग्राम पंचायतों के मुकाबले। और अभी तक मेरे गाँव में 11 गलियाँ, एक मेन रास्ता और एक मेन रास्ता बनने लग रहा है, उनका काम चल रहा है। 289 शौचालय हमारे गांव में बन चुके हैं और 30 सौर ऊर्जा की लाइट लग चुकी हैं और बहुत सा विकास कार्य जारी है।